तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो अभी तक हमने फॉर्मूला की कैटेगरी में हमने लॉजिकल फॉर्मूला को पढ़ लिया, टेक्स्ट को पढ़ लिया, डेट एंड टाइम को पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले को। अगला फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल कैटेगरी का है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले यूजलेस हैं, कुछ यूजफुल है, कुछ बहुत कम यूज होते हैं, कुछ ज्यादा यूज होते हैं। तो चलिए उसी हिसाब से आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला एवीएस का है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई यहाँ पे एक्सेल पे कोई नेगेटिव नंबर डाल रखा है, कोई भी नेगेटिव नंबर आपने डाल रखा है, तो उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अर्चना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अर्चना जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर सुन रही हूँ। अच्छा, मैंने आपकी माइक को म्यूट कर दिया है क्योंकि आपके यहाँ से बैकग्राउंड सा शोर आ रहा था, तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा जब भी कुछ पूछना होगा। तो अगर माइनस में कुछ नंबर डला हुआ है उसको हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि दो तरीके। एक तो हम माइनस लिखते हुए हम सिलेक्ट कर लें उसको, तो माइनस प्लस वाले जो सिस्टम होती है मैथमेटिक्स की, उससे आपको प्लस में चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर आपकी वैल्यू ऑलरेडी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे पास जो डेटा आता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास डेट इनकम आया, तो इनकम में दो इनकम है। एक तो है कि आपने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, ये आपका इनकम है, और दूसरा आपको कैशबैक मिला। जैसे क्रेडिट कार्ड में आपको डिस्काउंट मिला, कैश मिला, तो डिस्काउंट वाली जो फिगर होती है वो मोस्टली माइनस में होती है। अब आपको प्लस करोगे तो माइनस वाला फिगर तो प्लस नहीं होगा, वो माइनस ही होगा। तो मुझे माइनस को कन्वर्ट करने हैं प्लस में, तो इसके लिए हम एवीएस का फॉर्मूला लेते हैं एब्सोल्यूट का, जो कि नंबर को एब्सोल्यूट करता है, मतलब कि प्लस को प्लस रखता है, माइनस को प्लस कर देता है। सिर्फ इसी एग्जांपल में नहीं, आगे चल के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जो कि सिर्फ प्लस वैल्यू ही लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे पास माइनस प्लस दोनों वैल्यू होती है, उस केस में इसका हम एबीएस का इस्तेमाल करते हैं। एबीएस फॉर्मूला के बाद आता है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट को समझने के लिए हमें समझना होगा सब टोटल, और उसके लिए चाहिए हमको डेटा। आपके सामने मेरा ये डेटा है। अब इस डेटा पे मैं फिल्टर लगाता हूँ, और मान लीजिए कि मैं कोई पर्टिकुलर सिटी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया आगरा, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ आगरा का टोटल दिखता है, डेटा दिखता है। तो मैंने एक काम और किया कि मैं सबसे लास्ट में गया और मैंने यहाँ पे टोटल जो है लगाया, तो सॉरी टोटल के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला बताते हैं। तो सम का फॉर्मूला लगाया और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, डेटा को सिलेक्ट करके एंटर मारा, और यहाँ पे आपके सामने टोटल दिख रहा है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम फिल्टर लगाते हैं, जैसे फिल्टर लगाया और फिल्टर में हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया सिटी आगरा, तो यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है ये ओवरऑल टोटल दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि जो विजुअल है उसी का टोटल दिखे, मतलब कि हमने आगरा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आगरा का ही टोटल आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सम के जगह पे हम लोग लेते हैं सब टोटल। सब टोटल जब सम नहीं करता है, यहाँ पे सब टोटल जब सम नहीं करता है आपका, उस सम की जगह पे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन करता है। तो इसमें जोन कैलकुलेशन, जिस कैलकुलेशन को आपको करना है उस कैलकुलेशन को आप सिलेक्ट कीजिए और टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसका सीक्वेंस नंबर 9 है उस 9 को लिख दीजिए कौवा, और फिर आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सब टोटल में फीचर यह है कि अगर आप फिल्टर लगाते हैं अपने डेटा में, जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया और फिल्टर में जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सिटी आगरा, या कोई और सिटी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ फिलहाल यहाँ आगरा ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आगरा का ही टोटल दिख रहा है, ओवरऑल टोटल नहीं दिख रहा है।
ठीक है सर। समझ में आया आप लोगों को सब टोटल फॉर्मूला? अब इस पे सब टोटल में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें इसमें एरर आता है, इसमें मान लीजिए कहीं कुछ किसी भी तरह का एरर आता है तो एरर आने की केस में प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम इसमें यह होगा कि आपका देखिए अगर एक फॉर्मूला आपका एरर देता है तो बाकी फॉर्मूले भी आपको एरर ही देंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अगर आपको एरर देता है तो बाकी फॉर्मूले भी आपको एरर ही देंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम एरर को इग्नोर करें, तो बहुत सारे केस में एरर फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हम इस तरह बगल लगाते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है एग्रीगेट का जो कि काम करता है जस्ट लाइक सब टोटल। एग्रीगेट मुझे काउंट करना, मुझे सम करना है तो हमने सम ले लिया, और मुझे इग्नोर क्या करना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया इग्नोर हिडन एन एरर। तो ये एरर को इग्नोर कर देगा, मतलब कि एरर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जिस कारण से आपका एरर नहीं आएगा। तो चाहे सब टोटल लगाए, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो उसमें एरर इनपुट अगर एरर है तो आउटपुट भी आपका एरर आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक्सेल शीट पे अगर आपने यहाँ पे कुछ एरर्स हमने यहाँ पे दे दिए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सम लगा रहा हूं तो सम आ रहा है, अगर कहीं किसी सेल पे अगर एरर आ गया तो आपका आउटपुट एरर आएगा। तो जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें एरर आते हैं मुझे एरर को इग्नोर करना है तो आप क्या करें यहाँ पे एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाएं और इसमें आप सिलेक्ट कर ले सम और इसमें सिलेक्ट कर ले इग्नोर रो और उसके बाद आप अपनी डेटा जो आपका है उस डेटा को आप सिलेक्ट कर ले। रिजल्ट आपके सामने है 428। तो एरर को इसने इग्नोर कर दिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे सीरियल नंबर छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहां पे नंबर देते हैं इस तरह से, तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रोमन का। रोमन क्या करता है, इसको रोमन नंबर की जो सीक्वेंस होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर 10 लिख दें तो 10 का आ जाएगा, 15 लिखते हो 15 का आ जाएगा, 20, लेकिन रोमन नंबर 3000 यहां तक ही आएगा। इससे अगर 4000 आपने दे दिया तो इसमें नहीं आएगा। तो रोमन नंबर, अब रोमन नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो नॉर्मल नंबर जो आपके नंबर होता है उस नंबर में, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला अरेबिक का। तो अरेबिक लगाएंगे तो ये आपका वापस नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका अरेबिक का फॉर्मूला होता है। अब चलिए हम राउंड के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने अगर नंबर रखा तो मुझे इस पे राउंड का फॉर्मूला लगाना है, तो राउंड अगर हम करते हैं तो नियरेस्ट वैल्यू को शो करेगा। हमारे पास अगला फॉर्मूला है राउंड अप का, वो हमेशा अप में दिखाएगा, ऊपर की तरफ दिखाएगा। जीरो मतलब डेसिमल प्लेसेस, इसमें अगर आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो नंबर्स दे सकते हैं आप। और फिर यहाँ राउंड डाउन का मैं करूं तो ये आपका हमेशा डाउन का दिखाता है। तो राउंड राउंड अप ये आपके डेसिमल्स के लिए होता है, लेकिन मुझे अगर डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला इंड का है। आप इंड से फॉर्म डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे डेसिमल ही एक्सट्रैक्ट करना है तो आप
विथ नंबर को माइनस कर दे इंट, मतलब कि विदाउट डेसिमल, तो आपको डेसिमल आ जाएगा। या दूसरा तरीका भी है मोड का, जैसे मोड फॉर्मूला होता है, मोड फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैं इसमें 14 नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो उसका शेषफल दिखाता है, जो शेषफल होता है ना वो शेषफल दिखाता है आपका जो रिमाइंडर होते हैं। तो एक छोटी सी एक थ्योरी है मैथमेटिक की कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो उसका शेषफल रिमाइंडर, शेषफल या रिमाइंडर जो कर लीजिए वो 0 आता है, लेकिन आपने वो नंबर डेसिमल में ले रखा है तो फिर जो शेषफल होगा वो आपका डेसिमल आएगा। तो इससे भी अलग कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज क्या होगा, तो याद होगा मैंने टाइम, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन में आपको बताया था एक फॉर्मूला टुडे का। तो टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, सिस्टम डेट निकालता है, और नाउ का फॉर्मूला सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, बट टाइम का फॉर्मूला तो नहीं था। लेकिन जब नाउ फॉर्मूला जो डेट एंड टाइम है उसको अगर आप फॉर्मेट में जनरल करेंगे तो एक चीज पाएंगे कि जो नंबर्स है इट्स योर डेट, जैसे इसको भी करके देख लीजिए डेट, और जो डेसिमल है वो टाइम है। तो मुझे डेट एंड टाइम, सिर्फ टाइम चाहिए डेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाऊंगा और उसमें नाउ दूंगा और कॉमा 1 दे दूंगा। तो आप देखेंगे, इसमें टाइम का फॉर्मेट कर देता हूँ, हाँ देखेंगे कि आपके सामने जस्ट सिस्टम टाइम आ रहा है, राइट समझ में आया सर? अर्चना जी को डाउट इसमें? राजीव जी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब ये हमने ये दिखाया, तो हमने डेसिमल्स, हमने राउंड करना सीखा, डेसिमल्स के बारे में जाना। अब इसमें एक चीज और आता है कि मुझे अगर नंबर राउंड करने हुए तो, जैसे कि मान लीजिए ना कि आप जब एफडी करने जाते हैं तो आपको 500 का मल्टीप्लेक्स ही एफडी होता है, मतलब आप बोलोगे कि भाई मुझे 2400 रुपये एफडी कर दो, तो 2400 रुपये आपका एफडी नहीं हो, खाए तो 2000 कीजिए या 2500 कीजिए। ये नियम है कि आप 500 के मल्टीप्लेक्स में ही एफडी कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे अमाउंट पे तो कैलकुलेट कर ले, तो लेकिन मान लीजिए कि 540 रुपये हमने एफडी करना है हमें, अब इसमें इतना तो नहीं होगा, तो बैंकर को बताना है कि आपको इतना रुपये देना होगा, इतने रुपये की एफडी होगी, इतनी एफडी नहीं होगी। तो मुझे 500 का राउंड अप करना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला सेलिंग, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे 500 का सिग्निफिकेंट दे दूंगा, तो 541,000 रुपए का एफडी होगा। बोला नहीं मैं कम भी कर सकता हूं, मतलब कि मुझे डाउन में भी बताइए, तो आपने अप में बता दिया, मुझे डाउन में भी बताइए, तो उस केस में हम फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर हमने बोला ए और आपका 500, तो ये आपका भाई 54,500 भी कर सकते हैं आप। सिंपल सा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर सुना देता हूँ कि आप मोबाइल फोन से कॉल करते हैं तो आप 1 सेकंड बात करें या आप 59 सेकंड बात करें, आपकी बिलिंग 60 सेकंड की होती है। अगर आपने 62 सेकंड बात किया तो आपका 120 सेकंड का बिलिंग होता है। तो इस चीज के निकालने के लिए कि भाई कितना सेकंड का बिलिंग हुआ, निकालने के लिए आप सेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई नंबर और सिग्निफिकेंट, ये हमेशा 60 की मल्टीप्लीकेशन दिखाएगा और ये अप में दिखाएगा और फ्लोर इसका लो में दिखाएगा। तो सेलिंग एंड फ्लोर दोनों समझ में आ गया सर? मेहताब जी समझ में आया? अर्चना जी को डाउट आप? जी नहीं सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक इसमें देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है सीखने लायक। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जैसे कि कॉम्बिन, मतलब कि आपको 3 लोगों की इंटरव्यू लेना है, 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किए हैं, लेकिन 2 को सिलेक्ट करना है, कितने चॉइसेस है
30 चॉइसेस हैं, तो इसे चॉइसेस निकालने के यूज होता है, लेकिन इसका कोई खास यूज हम लोग अपने रिपोर्ट ऑटोमेशन में नहीं करते हैं। ऐसे आपके पास कॉस्ट डेटा का मान दिखाता है, ये आपका इवेंट नंबर दिखाता है, जैसे ऐसे नंबर डालोगे अगर इवेंट है तो इवेंट उसी को शो करेगा, नहीं तो इवेंट नंबर दिखाएगा। ऐसी फैक्ट फैक्टोरियल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे अगर 5 दे दिया तो 1 × 2 × 3 × 4 यहाँ दिखे आपको, इस तरह से फैक्टोरियल नंबर दिखाएगा। और इसी में आपका एक है फैक्ट डबल, फैक्ट डबल। अब फैक्ट डबल में क्या होता है कि अगर मैंने 6 डाल दिया तो ए आपका 2 × 4 × 6 दिखाएगा, क्यों? क्योंकि हमने 6 हमने ऑड नंबर डाल इवन नंबर डाला है, तो 1 से लेके 6 के बीच में जितने इवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ऑड है तो ऑड को कर देगा। तो इसका यूज हम लोग खास करते नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए एम राउंड, ये एम राउंड एक है, हमने राउंड पढ़ा है, एम राउंड होता है मल्टीपल राउंड। जैसे कि मान लीजिए कि 17 एम्प्लॉय आपके कंपनी में है और आपको 50 आए हैं, अब होली का गिफ्ट देना है, तो 50 जो गिफ्ट है 17 लोगों में इक्वली तो नहीं बटेगा, तो कितने गिफ्ट होने चाहिए जो इक्वली बढ़ जाए। हम लोग चौथी या पांचवी क्लास में इसकी कैलकुलेशन करते थे कि वो संख्या ज्ञात करें जो 17 के नियरेस्ट है और 50 के नियरेस्ट जो है 17 से डिवाइड हो जाए। तो इस चीज के निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास राउंड का फॉर्मूला होता है, राउंड, और यहाँ पे हम लिखते हैं 50, या फिर सेलेक्ट कर लीजिए 50 को, और यहाँ पे आपका 70 एंड ओके, तो 51 आपका रिजल्ट आया। तो आप अपने हिसाब से इसका चूज कर सकते हैं। मोड बताई दिया मैंने, एम राउंड भी बताई दिया आपको मैंने, और दिखाता है पाई, पाई का मान दिखाता है, पावर मल्टीप्लाई करता है, जैसे आपने इसमें 5,3,4 कर दिया तो 5 × 3 × जो भी नंबर डालेंगे वो मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है। पावर, जैसे कि 10² का मान निकालना है तो पावर के अंदर भी देना पड़ेगा कि 10 और पावर इसका 2, तो स्क्वायर आ जाएगा 3, तो क्यू आ जाएगा 4, जो पावर उसमें डालना है वो पावर की कैलकुलेशन कर सकते हो इस पे, आप किस पे, पावर के फॉर्मूला से। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला मल्टीप्लाई के लिए होता है, और रैंड फॉर्मूला रैंडम नंबर डेसिमल में निकालने के लिए होता है, और ये आपका रैंड बिटवीन दो नंबरों के बीच की चाहिए, रोमन नंबर बता ही दिया मैंने आपको, और ये आपका स्क्वायर टी स्क्वायर रूट होता है, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर टी में 16 डाल दिया तो 16 का स्क्वायर रूट आपको दिखा देगा, ठीक है? तो इस स्क्वायर रूट होता है। अब अगला फॉर्मूला हमारा सम इफ से है, लेकिन सम इफ का फॉर्मूला मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सम इफ का फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे बैचमेट आज आए नहीं है, क्योंकि मंडे है तो हो सकता है कि काम में बिजी हो गए हो, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे सम इफ, काउंट इफ, इफ्स, एवरेज इफ्स, सब जो हमारे डेटा समराइजेशन के फॉर्मूले हैं उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? राजीव रंजन जी, मेहताब जी, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ राजीव रंजन जी, आपने मुझे फाइल भेजा है, मैं फाइल सर देख कर लेता हूँ, आपने एचआर ट्रैकर भेज दिया है ना मुझे सर, मैं इसको एक बार देख के आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि आपने शाम में भेजा था तो मैं क्लास में बैठ गया था तो मैं देख नहीं पाया था, मैं देख के अनु 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 मम क्या नाम है? अनु नहीं, आनंदी। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके सर, ओके।